सीन आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज और मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद। जैसा कि मैं आपको जम्मू कश्मीर की जितनी भी परिस्थिति है, जितने भी मसाइल है, आप लोगों तक भरपूर कोशिश करती हूँ जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल पहुँचाने की। वही बात करें आपने भारत देश की, किस तरीके से जो है आपने मुझे लगातार डिबेट्स में और इंटरव्यूज में देखा होगा कि किस तरीके से जो है मैं जम्मू कश्मीर की रियल परिस्थिति आप सब लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ कश्मीर घाटी के श्रीनगर इलाके में, जहाँ पे आपको बताती चलूँ कि पीओके के लोगों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें, तो वहाँ के लोग किन चीज़ों से, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप सब लोग इस बारे में बखूबी वाकिफ होंगे। वहीं बात करें महंगाई की, तो वहीं बात करें वहाँ के लोगों पे, जितने भी यानी कि इस रियासत का वो एक अटूट अंग है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों के साथ किस तरीके से जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस तरीके से जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन पे भरपूर जुल्म कर रही है। और वहीं कुछ पाकिस्तानियों से मुझे क्या कुछ जानने को मिला, क्या कुछ उनके मिथ्स रहे हैं इंडियन कश्मीर को लेकर के, वो आप सब लोगों तक मैं भरपूर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इस सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ कश्मीर घाटी के श्रीनगर में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे मैं ठीक मौजूद हूँ बडशाह ब्रिज पे, और इस टाइम जो है तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं, जहाँ पे हर एक आप देख सकते हो कि इस टाइम पे यहाँ पे इस सड़क पे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पे CRPF के जवान हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए जो है इन जवानों को रखा है, आप देख सकते हो इस टाइम पे हर एक कश्मीरी, हर एक देश का नागरिक जो है अपने घर में चैन की सांस ले पा रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली जो यहाँ पे इस टाइम पे जो है हमारी हिफाजत के लिए लगे हुए हैं, और हमारी हिफाजत के लिए आप देख सकते हो देश के कोने कोने में हमारी, चाहे CRPF की बात की जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, या फिर और किसी हमारे फोर्सेज की बात की जाए, जो लगातार जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर एक देश के कोने में, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, या फिर और भी हमारी रियासतों की बात की जाए, तो किस तरीके से जो है हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन कौन से लॉज रखे हैं, और खास तौर पर कश्मीर में जहाँ पे पिछले ज़माने में जो है हालात किस तरीके से नासाजा थे, लेकिन इन्हीं जवानों की वजह से, इन्हीं की ठीक इन्हीं की सुरक्षा की वजह से जो ये हमारे देश की इस टाइम पे सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक इन्हीं की वजह से जो है हम इस टाइम पे अपने घरों में चैन की सांस ले पा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, आप लोगों तक और भी मसले मसाइल पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।